हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की शुरुआत हमारी 10 बजे हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो अब सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है और ठंडा भी नहीं लगता है। तो जो बैठे रहे हम लोग धूप में, इसीलिए मैं अंदर अपना सारा काम कम्प्लीट करके तैयार व्यार हो गई हूँ और मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर लिया। ये देखिए मेरी बेटी को, ये है मेरी बेटी इसका ये मैंने रेडी कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब इसका शरीर पूरा हल्का आ चुका है। मतलब सारे कपड़े इसने, जो स्वेटर वगैरह होता है भारी भारी कपड़ा, वो बनाया मैंने इसको, इसीलिए। तो आगे बने रहिए गाइस मेरे व्लॉग में। आप लोग आज का दिन हम लोगों का कैसे गुजरता है आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाइस अभी दिन हो रहा है और मैंने चावल चढ़ा रखा है, मीन्स कुकर में चावल बन रहा है, आप देख सकते हैं पीछे मेरे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कटहल का सब्जी, काफ़ी मतलब इस साल पहली बार, और छोटा वाला कटहल है तो उसको मैं पनीर जैसा बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। तो चलिए आज देखिए मेरे साथ में आप लोग कि मैं कैसे कटहल का सब्जी बनाती हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा कटहल, अब हम इसी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसको पीस पीस में काट के इसको उबाल लूँगी कुकर में। तो ये देखिए मैंने उबाल लिया है और मसाला भी इधर मैं रेडी करने जा रही हूँ, प्याज अदरक लहसुन वाला, ताकि ये फटाफट से सब्जी बन जाए इसीलिए। और ये देखिए मैंने उबाला था और उसके सारे छिलके निकाल लिए, इससे आसानी हो जाता है छिलका निकालने में। और फिर इसको मैंने पनीर के जैसे पीसीज में काट लिए और ये देखिए छिलका कितना सारा इकट्ठा हो गया और कटहल कितना सा थोड़ा सा बचा हुआ है। और इधर फिर मैंने काट रखा है प्याज और इधर कढ़ाई गरम कर रही हूँ तेल डाल के उसमें, ताकि कटहल को थोड़ा सा फ्राई कर लूँ उसमें। तो तेल गरम हो चुका है और मैंने कटहल डाल दिया इसमें और अब मैं इसको हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ, जैसे हम लोग पनीर को करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, नहीं तो फिर उसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो सारा फ्राई करके मैंने रख लिया और फिर तेल में डाला था तेज़पत्ता और अब डाल दे रही हूँ प्याज। और प्याज को हम अच्छे तरीके से एकदम भूंज लेंगे, क्या मतलब फ्राई कर लेंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ताकि वो कच्चा कच्चा टाइप का ना लगे। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला पिसा है वो। और ये देखिए मैंने मसाला डाल दिया है और इसको इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा नमक डाल दिया, ताकि ये मसाला जल्दी भून जाए और इसमें टेस्ट आ जाए। तो इसीलिए मैंने ये सारा मसाला डाल के अब इसमें डालूंगी पिसे हुए मसाले, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और मेरे पास में मिक्स मसाला है, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला, ये सब मेरे पास जितने भी मसाले मतलब है, तो मैं सारे मसाले डाल देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा टेस्टी बन जाता है इसीलिए। तो अब हम सारे मसाले डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हल्का पानी डाल के इसको भूंजते रहेंगे। तो ये देखिए कलर चेंज होने तक मैंने भूंजा और फिर उसमें डाल दिया है कटहल, और कटहल को भी थोड़ा देर भूंजने देंगे मसालों के संग में, ताकि जो मसाले हैं वो कटहल में थोड़ा मिक्स हो जाए, बढ़िया से अंदर तक चल जाए और ये सब्ज़ी एकदम मीट जैसी लगती है। हम जैसे पनीर और वो खाते एकदम लगेगा नहीं आप लोगों को कि ये कटहल है कि क्या है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये देखिए अच्छे से मेरा मसाला वगैरह सब भुंजा गया और सब मिक्स हो गया। अब मैं अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी, जैसे जिसको जिस हिसाब से, अगर रोटी संग खाना है तो थोड़ा सूखा रखेंगे और अगर चावल के संग तो थोड़ा हल्का पानी रहेगा। तो मैं तो चावल के संग खाऊंगी, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल दिया है। ये है बच्चा जेल, इधर है मेरा बच्चा और हम जा रहे हैं खुशबू दीदी के घर, जो हम लोगों के साथ में रहती थी, तो उन्होंने अपना रूम चेंज कर लिया है, इसीलिए हम उनके घर जा रहे हैं। और इधर देखिए ये रहा कटहल का पेड़ और मेरी पीहू की दौड़ना, गई फुदकनी घुस गई और शर्माता ना है, कैसे दौड़ती है टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऊपर का शरीर हिला के सिर्फ। ये देखिए बेटा गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है बेटा, रुको रुको पीहू गाड़ी आ रहा है, रुको तो गाइज हम लोग आ चुके हैं खुशबू दीदी का घर और ये देखिए ये एंट्री है इधर, और इधर मेरी पीहू आगे आगे चल रही है और रिक्की रूही तो पहले ही चले गए थे, तो वो ऊपर में रहती है, उनका रूम ऊपर में, इसीलिए इधर सीढ़ी है, इधर सीढ़ी से अब हम ऊपर जाएंगे उनके रूम में। अंधेरा है और ऊपर से हम लोग धूप से हैं तो हमें और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो
चलिए डायरेक्ट आपको रूम में दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए इधर मेरी पीहू बैठी हुई है और उनको खुशबू दीदी पानी पिला रही है पीहू को, क्योंकि उसने रूही को देखा था पानी पीते हुए, इसीलिए वो भी मांगने लग गई थी। और फिर पीहू को खुशबू दीदी ने दिया है बिस्किट और मिक्सचर खाने के लिए, और ये प्लेट लेके अपना आगे आगे दौड़ रही थी, किसी को भी नहीं दे रही थी। तो और इधर खा रही है ये अपने मज़े से बैठ के, और रोहिरी की उधर मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं। और पीहू हम लोगों के साथ में नीचे बैठी हुई, हमने उसको नीचे बिठा लिया था क्योंकि ये ऊपर पूरा गंदा कर देगी इसीलिए। और फिर हमने इसको कहा कि जाओ तुम रूही दीदी को प्लेट दे के आओ साफ़ करने के लिए, तो ये रूही दीदी को प्लेट देने गई है धीरे से झांक के, अच्छे से नहीं गई, बस थोड़ा सा झांकी और वापस आ गई। तो ये देखिए इनका किचन सुंदर सा, कितना प्यारा किचन है, अच्छा किचन है वैसे ना, बड़ा ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक किचन है, बढ़िया है। और ये यहाँ पे पकौड़ी बना रही है हम लोगों के लिए, भज्जी है जिसको आप लोग बोलते हैं। और हम लोग अब थोड़ा देर में रहेंगे यहाँ, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, तब तक वो पकौड़ी बना रही है। तो चलिए आप लोगों को छत का नज़ारा दिखाती हूँ मैं। तो ये पीहू चली हाथ पकड़ के रूही की मम्मी का छत में, और इनका छत मतलब सेकेंड फ्लोर पर है रूम, तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग छत जा रहे हैं। थोड़ा धूप तो काफ़ी तेज़ होगी वैसे, फिर भी सोचा एक बार छत में घूम ही लेते हैं क्या होगा थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं आप छत। तो ये देखिए गाइस, ये है छत और वो है जेल, जिस जेल से हम लोग आए हैं, मतलब बच्चा जेल, जिस रास्ते से हम लोग आए थे। और बगल में इधर भी एक घर है, और वो देखिए बच्चों के कितने सारे रूम बने होंगे, उसी में शायद रहते होंगे, और पुलिस वगैरह उसी में ड्यूटी देती हैं, जो ये है यहीं पर ड्यूटी देते हैं। और ये कितना बड़ा एरिया है जो जेल का एरिया है, और इधर ग्राउंड है पूरा, फील्ड है खेलने के लिए, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते बच्चे। और इधर है रूही, और इधर है कचड़ा, इधर बहुत सारा कचड़ा है, गंदा है इसीलिए। तो अब बहुत ज़्यादा धूप तेज लग रहा था पीहू को भी, तो हमने सोचा अब नीचे चलते हैं, क्या ही ऊपर कितना ही घूमेंगे। और हम लोग अब नीचे आ चुके हैं, तब तक पकौड़ी भी बन गया हम लोगों का रेडी है, और मेरी पीहू तो खाने के लिए भी रेडी है, सबसे पहले बैठ गई है रूही रिक्की को जैसा देखती है, सेम टू सेम वैसी करती है। तो अब हम अपने घर चलते हैं वापस गाइस, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, यहीं पे लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर धूप भी हो रहा है और गर्मी लगने लगेगा। तो यहाँ से तो हम लोग ऑटो से जाएंगे, और ये पीहू रूही को सैंडल दे रही थी पहनने के लिए, तो जैसे ही मैंने इसको नीचे उतारा ये फिर दौड़ने लग गई रोड में, एकदम फुदुक 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 फुदुक, जैसे लग रहा है इसको घर ही नहीं जाना, इसको यहीं मज़ा आ रहा है, क्योंकि खाली रोड है तो इसको घूमने में भी मज़ा आता है। और जब तक रूही की मम्मी खुशबू दीदी को अच्छे से बढ़िया से बाय बाय कर रही है, और मेरी पीहू का मन कहीं और ही चल रहा है, उसको लग रहा था और सीधे जाती तो और मज़ा आता है। फिर इसको मैं पकड़ रही थी ज़बरदस्ती, देखिए कितना स्पीड दौड़ने लग गई है, स्पीड इसका देख रहे हैं दौड़ने का। तो ये दौड़ते दौड़ते सीधा इसको फिर मैं पकड़ी ज़बरदस्ती, और फिर हम लोग अब जाएंगे घर। तो चलते हैं गाइस घर की तरफ अपने, रूही रिक्की तो आगे आगे दौड़ रहे हैं, अब इनके पीछे पीछे मेरी भी पीहू दौड़ेगी। और यहाँ पे है थाना, जो जेल है यहीं से शायद एंट्री होता है, जो गाड़ी वगैरह खड़ा है वहाँ से एंट्री होता है, छोटे बच्चों का जेल है तो। और उधर वकील वगैरह बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है डेट वगैरह होगा किसी का भी, और वैसे भी थाने के जेल के बाहर तो हमेशा भीड़ रहती है और हमेशा पुलिस रहती है, ये तो रहेगा ही सही। तो इधर देखिए गाड़ी वाड़ी सब लोग की खड़ी है, और मैं पीहू और रूही की मम्मी का वेट कर रही हूँ, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रही हूँ। और हम आ चुके हैं बेकरी में गाइस, रूही रिक्की और पीहू को ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाने के लिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो आइसक्रीम का थोड़ा मज़ा लेना तो बनता है, इसीलिए हमने यहाँ पे आइसक्रीम ले ली है। रूही रिक्की ने ऑरेंज फ्लेवर लिया है, और मेरी पीहू के लिए मैंने कुल्फ़ी ले ली है, क्योंकि उसे कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद है इसीलिए। और ये केक पसंद कर रहे थे कि बर्थडे में कौन सा केक इन लोगों को ख़रीदना है और कौन सा केक ये लोग खाएँगे, उसमें मेरी पीहू भी थोड़ा सा साथ दे रही थी इन लोगों का। मैं रूम आ चुकी हूँ और पीहू भी सो गई है आके, मैं आप लोगों को दिखाती, पीहू सो रही है, देखिए पीहू सो रही है, बहुत ज्यादा थक गई बेचारी, इसीलिए इसको मैंने सुला दिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसी लगी मेरी कटल की